Sorry, sir. तभी जाकर हम उस त्यौहार की तैयारी में लगे रहते हैं और त्यौहार को मनाने के काबिल बन जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी उस दिन को 6 मई को एक त्यौहार के नाम से जाना गया है। अब हम सब अपने माहौल को साफ करके, अपने माशरे को, अपने सराउंडिंग को साफ करके हम अपने मन को साफ करना चाहेंगे। बाकी पहले आप ही इस इलाके के, इस कौम के आप पिलर हैं, इसलिए मैं चाहूंगा अगर आप में से कोई आज के दिन को लेकर अगर कोई दो बातें बताना चाहेंगे, कोई भी। सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन, ठीक है, SVEEP, एक स्वीप है SVEEP, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से है। एक स्वीप हमारा SWEEP है सफाई को लेकर, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन। इसका मतलब है एक सिस्टमेटिक तरीके से एक निजाम के तहत वोटर्स को एजुकेट करना है। क्यों एजुकेट करना है? इसलिए करना है कि एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, तो सारे इलेक्टर्स को जिनका उम्र 18 साल हो चुका हो उनको 6 मई को जिस दिन इलेक्शन होगी उस दिन पार्टिसिपेट करने के लिए एजुकेट करना है। उससे पहले क्या है, एजुकेट इसलिए करना है, आपका नाम दर्ज नहीं होगा,
किसी वजह से रह चुका होगा, जब 18 साल आपका हो जाता है, आपको एजुकेट करना है कि 18 साल में आपने अपना नाम दर्ज करना है, ठीक है। जब आप ये बात सुन लेता है, अपने पूरी सोसाइटी में बताना है, जिसका भी 18 साल हो चुका हो उसको इलेक्टर रोल में एज ए इलेक्टर रजिस्ट्रेशन आपने करनी है, ये एजुकेट करना है। आपको मखबूल इल्म है कि आज के दिन की क्या अहमियत है, हमारे एजेंट साहब ने तफसीलात आप लोगों को बता दिया, किस लिए आप लोगों को इतने सवारे यहाँ पे लाया गया, किस तरह आप वहाँ पे हम एजेंट साहब के ऑफिस के पास तकरीबन 7:30 बजे जमा हुए। आप लोगों को पहले से ही पता है, वही सफाई का जो हम रोज़ अपने स्कूलों में, खुसूसन में स्कूल वालों से मुखातिबों को कहूँगा, क्योंकि स्कूलों में हम रोज़ हर वक्त हर टाइम यानी सफाई का एक मुहिम चलाते रहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्लस पॉइंट क्या है, इसमें इलेक्शन से कुछ रिलेटेड है, यानी इलेक्शन कमिश्नर ने इसको यानी एक ऐसा इम्पोर्टेंस इसको दिया है, ताकि इसी के साथ आने वाले जो हमारे जो कमिंग इलेक्शन जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है जो 6 मई को आने वाले, इस सिलसिले में हम आज से तैयारियाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी काम कोई भी चीज़ करने से पहले सबसे पहले सफाई पर ध्यान दिया जाता है। सफाई बहुत मर्ज है वहाँ पे आकर किसी ने कहा बोलता है घंटू बार चला, ये हमेशा रहना चाहिए, हर वक्त आपके जहन में होना चाहिए, जब भी जाते हुए आते हुए कहीं भी कुछ रास्ते में पाएंगे निकाल का हो सकता है कहीं डस्टबिन भी रखे होंगे, आप बहुत सारे जगह वो हमें खड्डे भी खोदे वहाँ से लेकर, सिर्फ उठाना ही नहीं, यहाँ से उठा के वहाँ लगाने का, अपने पास में रखेंगे दूसरे के सेन में ला के ढूंढी डस्टबिन में लगाना है या आपको कुछ यानी। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टेप उठाया हुआ है गवर्नमेंट ने, और वो भी बिफोर इलेक्शन, जो कि अभी हमारे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट साहब ने आप सबको तफसील में बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है इसका हमारे लाइफ में, क्योंकि बीइंग अ वोटर आप अपने जो कम्युनिटी है उसका एक अच्छा लीडर चूज कर सकते हैं, ताकि आपके जो कम्युनिटी में जो भी आपको डेवलपमेंट चाहिए आपके भलाई के लिए आपके बेहतरी के लिए वो आपके पास है। आपको सोचना है किसको आपको आगे करना है, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी फिरका परस्ती में नहीं जाना है, आपको सोचना है कौन आपका एक लायक लीडर होगा जो आपको आगे जाके आपको आगे प्रोसीड करेगा और आपके हमारे सबकी कम्युनिटी के लिए वो काम करेगा विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन, उसकी नजर में सब एक जैसा ही होगा और वो सबके लिए एक जैसा काम करेगा। तो दूसरा जो हमारा जो है इसके साथ जो हमारा जो आज का आप लोगों का जो क्लीनलीनेस ड्राइव है वो चलाया गवर्नमेंट ने, वो भी बहुत अच्छा है। पहले हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने 1st to 15 अप्रैल स्वच्छता पखवाड़ा चलाया था, उसमें भी यही सेम ऑब्जेक्टिव्स एंड एम थे, सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस ड्राइव, उसमें हमारे 2-3 स्कूल्स ने शिरकत की थी और हमारे जो सब डिविजनल मैसेज तहसीलदार साहब हैं चार्ज पुलिस फोर्स उन सब ने भी हमारी काफ़ी हेल्प की थी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट उठाती है तो वो हमारे ही बेनिफिट के लिए होता है, तो वो हमें एक दिन में सेलिब्रेट करके नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आज हम लोगों ने सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस ड्राइव किया तो हम लोग सोचेंगे कि बस आज का दिन हो गया, नहीं, हमें एवरी डे सोचना है कि हमें अपने आस पास अपने एटमोसफियर में अपने घर में बाहर स्कूल हो हमारे जो हॉस्पिटल्स हो बाकी जो हमारे मदरसे हो हमारे मस्जिद हो गुंडा हो कोई भी कहीं पर भी हमें आसपास सफाई रखना है, क्योंकि हर रिलीजन में सफाई का एक बहुत बड़ा एम है। हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो भी और रिलीजन के हिसाब से भी, हेल्थ हिसाब से अगर हमारे आसपास गंदगी होगा तो मॉस्किटोज फ्लाइज वगैरह वहाँ पे जाएगी तो वो हमारे खाने पर आएगा, वो हम खाएंगे तो हमें डायरिया होगा गैस्ट्रोएंटेराइटिस होगा वॉमिटिंग होगा फीवर होगा। पानी में जैसे कि कपड़े वहाँ आप लोग साइट पर नहीं पानी में ही धो देते हैं, मैक्सिमम मैंने सबको बोला इस तरह से नहीं करना चाहिए, उससे वाटर पोल्यूशन हो जाता है, तो वही पानी नीचे के लोग पब्लिक पी लेता है तो उससे टाइफाइड हो जाता है, हमारे जो दूसरे वाटर बॉर्न डिजीज है हेपेटाइटिस ए
लिवर का जो एक हमारे जो कलेजे का एक प्रॉब्लम वो हो जाता है। तो हमें ये सोचना है कि सफाई हमारे जो है लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, वो हमें एक दिन में सेलिब्रेट करके नहीं रखना है, हमें एवरीडे सोचना है। अगर हमें कहीं कुछ मिल जाए, जैसे कि अभी हमारे प्रिंसिपल साहब ने फरमाया, एसडीएम साहब ने फरमाया कि हमें पहल करना है। अभी आप बच्चों को भी यहाँ क्यों लाया हुआ, क्योंकि आप लोग आगे की जनरेशन है, आप लोगों को आगे सीख देना है। अभी तक जो हो गया वो हो गया, नहीं, अब हमें आगे एक कम्युनिटी में चेंज लाना है। तो वो चेंज लाने के लिए आप लोगों को स्टेप उठाना पड़ेगा। घर में आपके अगर बड़े बुजुर्ग ऐसा करते हैं तो आपको टोकना है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें स्टेप उठाना है, उठाना है। तो बुजुर्गों से भी मैं ये गुजारिश करूंगी कि आप लोग भी घर में एक डिसिप्लिन बना के रखिए, ताकि जो आपके यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो आपके नक्श कदम पे चले। उनको कोई वो नहीं, फिर एंड के बाद खाना पीना सब चलता है ना, तो इट शुड नॉट बी डन। तो हमें इसको एक रूटीन बनाना है। जब आप एक बार अपने अंदर वो इनवाइट करोगे तो वो खुद का खुद आपको आ जाएगा। फिर एवरी टाइम आपको लगेगा नहीं, हैंड वॉश के बगैर हमें कुछ भी नहीं खाना है, ना किसी खाने के बर्तन को, ना किसी खाने को टच करना है, वो यूज करें। एंड देन सारे बच्चे मेरे साथ ये करेंगे। पहले आपका बार्बर जाएगा, प्लीज आप कीजिए बच्चे। तो पहले आप लोग पामर करेंगे। दिस इज योर पाम, पाम कति हथेली लजसिन लपे थिल पलजसिन पाम। तो दिस इज योर पामर, डोंट स्माइल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये पाम है, दिस इज योर पामर। एंड देन डॉर्सम, धोने से पहले आपके ये पाम, एंड देन डॉर्सम, दिस इज योर डॉर्सम, ओके। आपका जो हथे क्या पलजसिन डॉर्सम, एंड देन दिस नेस के अंदर जितना भी मेल होता है उससे भी हमें बीमारियां लग जाती हैं। तो नेल्स को ऐसे करना है, ठीक है, कीजिए। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, आपको फॉलो करना है। आप यहाँ पे किस लिए आए हो, आपको करना है, नहीं करना है तो इट्स नथिंग। ये तो फिर प्रोग्राम ऐसे जीरो, एक बिग गोल बन जाएगा। जब तक आप अपने आप को इसमें इन्वॉल्व नहीं करोगे, क्या यार व्हाट इज दिस, हाथ धो के चलते हैं, नहीं, ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा काम है, नहीं, इट्स नथिंग। आपको एक दो बार लगेगा, उसके बाद तो बस। एंड दिस इज योर नकल, एंड देन थंब को अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके फिंगर्स के साथ जुड़ा नहीं है ना, दिस इज सेपरेट, ये सेपरेट है आपका थंब, दिस इज योर थंब, ओके। दिस इज फाइव स्टेप्स। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी तक हमारे मुकर्रीन ने यहाँ आप लोगों को जो अवेयरनेस प्रोग्राम दिया, सिर्फ उस पर अमल करने की ज़रूरत है, उसको अमली मैदान में अमलाने की ज़रूरत है। जब तक अमली मैदान में कोई भी चीज़, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी ताली, अगर इंसान तालीम याफ्ता हो, अगर उसकी तालीम अगर उसके अंदर रहेंगे, उसके दिल में रहेंगे, उसके अंदर रहेंगे, तो उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई हमारे कोई कारीगर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई सिंगर है, वो गाता अच्छा है, वो काम अच्छा करता है, अच्छी चीज़ बनाती है, अगर वो अपने तक वो कन्फाइन रखेंगे, वो महदूद रखेंगे, तो उसकी कारीगरी, उसकी जुखन वो बेकार है। इसी तरह ये अभियान अभी तक चलाया, जब तक इस अभियान को अमली मैदान में आप लोग अपनाओगे नहीं, इसको ऑन ग्राउंड, अगर ग्राउंड पे आप इसको नहीं उतारेंगे, तब तक इन अभियान का कोई मकसद नहीं रहता है। ये अभियान मनाने का जो मकसद वो फोद हो जाता है। सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिकल करना। ज़बानी बोलना आसान है, ज़बानी हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसको अमली मैदान में उतारना बहुत मुश्किल है। इसलिए अमली मैदान में जब तक नहीं उतारेंगे, फिर इसका कोई हमारे जो एम्स ऑब्जेक्टिव है वो हमारे हाथ नहीं आता। तो मैं प्यारे बच्चों से मैं ये गुजारिश करूँगा, आप लोग हमारे आने वाले जनरेशन हैं, हमारे आने वाले मुस्तकबिल हैं। जो अभी तक जो अवेयरनेस दिया, वो सबसे पहले आपके फैमिली से स्टार्ट होता है। जो भी सफाई हो, जो भी अखलाक हो, जो भी तालीम हो, वो माँ के गोद से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हमारी सफाई का जो अभियान है वो हमारे घर से शुरू होना चाहिए। सबसे पहले अपने घर को साफ रखने की हमें ज़रूरत है, फिर इसके बाद इसका दायरा बढ़ के फिर हमारे हमसाए तक पहुँचता है,
हमारे मोहल्ले तक पहुंचता है, फिर ये हमारे गांव तक इसी तरह से इसका दायरा उसी हो जाता है।